जमाल साहब हानिया को छोड़ें, वो तो है ही पैदाइशी बदतमीज़, और अम्मी के साथ इतनी बदतमीजी करती है वो, उसको एहसास ही नहीं अम्मी का, इतनी मेहनत करती है वो हम सब के लिए। मैंने आपकी अम्मी को देखा तो नहीं, मगर आवाज से अंदाजा लगाया है कि बहुत नेक और एक्टिव औरत है। अरे आप जब अम्मी को देखेंगे ना तो चौंक से जाएंगे, वो बिल्कुल हमारी बहनों में से एक लगती हैं। असल में उनकी बड़ी यंग एज में शादी हो गई थी ना अब्बू से, और बस फिर उसके बाद से वो काम ही करती आ रही हैं। अब भी जॉब करती हैं? अरे हाँ, वो तो बहुत गजब की ब्यूटिशन है, और उनकी एक वाइटनिंग क्रीम है जो कि लेडीज में बहुत ज्यादा मशहूर है, काले से काली औरत को भी ना वो निखार के गोरा कर देती हैं। और तो और वो वेट लूज करने की भी दवा बनाती हैं। अच्छा, अगर वाइटनिंग क्रीम बनाती हैं तो एक कोयले की कान हमारे घर पे भी है, मेरी बीवी। अच्छा, आप तो वैसे बड़े गुड लुकिंग हैं, मेरा ख्याल है बस थोड़ा सा वेट लूज कर लें। फिर तो तुम्हारी अम्मी से मिलना पड़ेगा मुझे। हाँ, 2-3 दिन में आप अम्मी से मिल सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ, और आप मेरे से जरूर मिल लें, कल मिल लेते हैं। तो फिर कल मैं ऑफिस जाते हुए आपको पिक कर लूँ? हाँ, कल मुझे पिक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका इंतजार करूंगी मैं सुबह। ओके जमाल साहब, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कल तो शॉपिंग पक्की हो रही है। बाबा आपकी चाय। थैंक यू बेटा। बाबा मुझे आपसे एक बात करनी है। आज मेरी दोस्त आई थी नताशा, उसके भाई डॉक्टर अदनान सर्जन है, उसको फातिमा भी बहुत पसंद आई थी, लेकिन मामा ने साफ इनकार कर दिया। उल्टा उसको ये बोल दिया कि फातिमा तो भी पढ़ना चाहती है, आलिया के लिए सोचा जा सकता है। क्या? हाँ, उसको तो फातिमा भी बहुत पसंद आ गई थी। तहमीना भी ना। बाबा मुझे हमेशा से लगता है कि मामा बहुत ज्यादती करती हैं आप ही के साथ। नहीं बेटा, तुम ऐसे ही फील कर रही हो। तुम्हारी मामा ने तो फातिमा को बहुत लाड़ प्यार से पाला, बड़ी बेटी है इस घर की। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मामा का रवैया ऐसा ही आप ही के साथ। आप एक काम करें बेटा, आप अपने फ्रेंड के पेरेंट्स को बोलें कि मेरे से आके मिले, अगर डॉक्टर इतना अच्छे लगे तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, मैं उसे बोलती हूँ। चाय अच्छी बना लेती हूँ। आपने पिए? पिए तो सही। छे आ गया। ये चीटिंग है, आप हमेशा बनाकर फेंकती हैं। क्या मतलब मैं बनाकर फेंकती हूँ? तुम्हारे सामने मैंने फेंका। रुको जरा, मैं दोबारा बारी लेती हूँ। एक और छे आ गया। अब तुम्हें 2-6 चलूंगी। नॉट माई फॉल्ट तुम्हारे सामने मैंने किया। ये चीटिंग है, मैं नहीं खेलता, ये ले। फेयर के बच्चे, तुम खुद हार रहे होते हो तो सबकी गेम तबाह कर देते हो। जरा क्या हो रहा है ये? फातिमा कभी तो अकल से काम लिया करो, मैच्योर हो गई हो अब तुम। राफेल को पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे करने के बजाय इस तरह से खेलकूद में लगाया हुआ है। सॉरी अम्मी। वो क्या सॉरी, छोटे बहन भाइयों को तमीज सिखाओ ना, कि और बदतमीज बना रही हो। प्लीज मामा, हम सिर्फ खेल रहे थे, आप पापी को हमेशा ऐड करती हैं। इतनी बड़ी लड़की पे खेलकूद जेब नहीं देता राफेल। मामा प्लीज, बड़ी बड़ी कहकर आप पापी को बुढ़ा बना देंगी। मैं फातिमा को समझा रही हूँ, तुम क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो? फातिमा बेटा जाओ, जाके किचन का हाल देखो, समेटो थोड़ा। जी अम्मी।